हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट करियर इन डांसिंग। वी आर गोइंग टू लुक एट एवेन्यूज एंड फील्ड्स, जो कौन कौन सी होती है डांसिंग में। वी आर गोइंग टू लुक एट इनकम सोर्सेस, फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई भी जो हमारे क्लोज होता है हमसे पूछता है जब हम लोग डांस को एज अ करियर चूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। आई एम तेजस ढोके, आई एम अ co-founder ऑफ डांस फिट लाइफ, जिस चैनल को अब 5 बिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। वी आर टोटली डांस बेस्ड चैनल। मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफीज लिटरली वेडिंग से लेके, स्कूल से लेके तो बॉलीवुड तक सब किए हैं। आई हैव बीन डांसिंग सिंस लास्ट 12 years नाउ, एंड आई फील कि ये सब जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को आते हैं, जो सारी दुनिया में जो भी डांस करियर चूज करता है उनको आते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने की मैं आज कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं, दैट इज एवेन्यूज और फील्ड्स। ऑलराइट, तो ब्रॉडली कैटेगराइजेशन करते हैं एक डांसर के पूरे लाइफ में कितने सारे रोल्स या फिर फील्ड्स हो सकते हैं जिनमें वो काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज एज अ डांसर, या आप लोग जब सीख रहे होते हो या फिर आप जब बन जाते हो एक अच्छे डांसर, तो एज अ डांसर भी बहुत सारा काम होता है। उसके बाद आता है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर इज समवन जो कोरियोग्राफ करता है, बेसिकली डांस स्टेप्स बिठाता है कोई भी गाने पे या फॉर समवन एल्स, सो दैट्स अ कोरियोग्राफर। उसके बाद आता है परफॉर्मर। परफॉर्मर का मीनिंग होता है कि जैसे जो भी परफॉर्म करता है, आपने देखा होगा कुछ शोज आते हैं या फिर स्टेज शोज से लेके, तो वीडियोज से लेके, तो वेडिंग से लेके, तो आईफा तक, सो एवरीवेयर देर आर परफॉर्मर्स इन डांसिंग। आप जैसे भी कोई भी गाना देखते हो बॉलीवुड में, तो उस हीरो या हीरोइन के पीछे देर आर परफॉर्मर्स डांसिंग, सो वो सारे होते हैं परफॉर्मर्स। उसके अलावा है एक डांस टीचर। डांस टीचर इज अ पर्सन जो डांस सिखाता है। नाउ देर इज अ वेरी स्टिंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू पीपल। जैसे कोरियोग्राफर एंड डांस टीचर हमेशा एक नहीं होता, हर कोरियोग्राफर टीचर नहीं होता या फिर हर टीचर कोरियोग्राफर नहीं होता, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीजों में डिफ्रेंशिएट करें। उसके अलावा एक और फील्ड है जो आजकल क्रिएट हो रहा है, दैट इज डिजिटल इन्फ्लुएंसर, या फिर डांसर जो इन्फ्लुएंसर बन चुका है। सो यूट्यूबर, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, ये सब चीजें जो है, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स है, दे डांस एंड दे एक्चुअली अर्न मनी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ रिलेटेड फील्ड्स है, जैसे डांस वर्कआउट्स वाला जो फील्ड है जिसमें होता है जुम्बा या फिर बोकवा, या ऐसे बहुत सारे डांस वर्कआउट्स आए हैं जिनमें एक डांसर को बहुत स्कोप है, क्योंकि ये सब डांस बेस्ड वर्कआउट्स है। इवन एक डांसर एरोबिक ट्रेनर भी बहुत अच्छा बन सकता है, सो दैट इज ऑल्सो अ फील्ड फॉर अ डांसर टू वर्क इन। अपार्ट फ्रॉम दीज, एज अ डांस टीचर और अ कोरियोग्राफर आप बहुत सारी जगहों पर काम कर सकते हो, जैसे स्कूल्स में जरूरत पड़ती है, वेडिंग्स में जरूरत पड़ती है, एक बॉलीवुड में असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एज अ डांसर भी स्पेस होता है, एज अ परफॉर्मर भी स्पेस होता है, एज अ ब्लॉक डांसर भी स्पेस होता है, एज अ कोरियोग्राफर भी स्पेस होता है, एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी स्पेस होता है। सो देयर इज हेल लोड ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव, और बहुत सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब एक ही रोल आप प्ले करोगे ऐसा नहीं होता है। आप कभी डांसर से परफॉर्मर से कोरियोग्राफर बन जाते हो, कभी कोरियोग्राफर से परफॉर्मर बन जाते हो, कभी इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। बट यू हैव टू कैटेगराइज एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करो, क्योंकि उससे ही आपका डांस या फिर आपका जो आर्ट है वो इम्प्रूव होगा। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट इनकम सोर्सेस। सी, जब भी हम लोग करियर सोचेंगे डांस में, दैट मीन्स हम लोग उसमें ये सोचेंगे कि हम लोग लॉन्ग रन में या फिर एक लॉन्ग टर्म करियर में पैसे कैसे कमाएंगे और इनफ पैसे कैसे कमाएंगे कि हमारा घर फैमिली सस्टेन हो सके। सो फील्ड बाय फील्ड आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं आंसर करूँ कि कौन कौन से एवेन्यूज हो सकते हैं पैसे कमाने के। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डांस इज अ आर्ट, तो आप जितना उसमें ग्रो करोगे एज अ पर्सन, जितना आप अपने आप पे काम करोगे, जितना आप एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांस टीचर पॉपुलर हो जाओगे, उतना आपको काम ज्यादा आएगा। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कितना कमाएगा, बट आई कैन टेल यू फील्ड बाय फील्ड कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या कमाई हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सेक्शन बाय सेक्शन। सो फर्स्ट इज डांसर। सो एक डांसर जो एक मीडियम टू इंटरमीडिएट लेवल में भी है, उनको भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे हर लोकल सिटी में वहाँ पे डांस इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके शोज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हर डांसर और परफॉर्मर के लिए जो काम आता है, दैट इज टू परफॉर्म इन अ वेडिंग, टू असिस्ट इन अ डांस क्लास, टू परफॉर्म इन अ डांस क्लास, टू परफॉर्म विद अ कोरियोग्राफर। जो लेट्स से आई एम अ कोरियोग्राफर एंड आई नीड समवन जो मेरा डांस सीखे और उसको प्रेजेंट करे, सो एज अ परफॉर्मर वहाँ पे भी रोल होता है।
इफ यू कम टू मुंबई, इफ यू कम टू दिल्ली, या फिर आप कोई भी मेट्रो सिटी में जाते हो जहाँ पे काफी काम है इंडस्ट्री रिलेटेड, तो इंडस्ट्री में एज अ बैकग्राउंड डांसर बहुत स्कोप है. एज अ शो डांसर, जैसे क्रूजेस से लेके तो स्टेज शो तक से स्टेज शोज तक, या फिर म्यूजिकल से लेके, तो बहुत सारे ऐसे ऑन ग्राउंड शोज रहते हैं जहाँ पे डांसर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो वहाँ पे डेफिनेटली आप परफॉर्म कर सकते हो, काफी अच्छा इनकम है उसमें भी. उसके बाद इफ यू बिकम अ कोरियोग्राफर, तो आप कोरियोग्राफी करने के काफी अच्छे चार्जेस ले सकते हैं. जैसे स्कूल एनुअल कोरियोग्राफी के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वी आर एक्चुअली टीचिंग 2000 पीपल एट द सेम टाइम. सारे के सारे स्टूडेंट्स का कोरियोग्राफी करना होता है. उसके अलावा वेडिंग्स कोरियोग्राफी इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस इन द डांस सेगमेंट, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा नंबर्स में वेडिंग होते हैं और बहुत ग्रैंड भी होते हैं. सो एज पर द स्किल दैट कैन ऑल्सो बी अ स्पेशलाइजेशन. बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स है जिनका वेडिंग ही फोर्टे है, मतलब दे ओनली डू वेडिंग और वो उसमें एक्सीलेंट है. उसके अलावा एज अ कोरियोग्राफर यू कैन ऑल्सो टीच, एज इन ओपन अ डांस क्लास एंड यू नो टीच योर कोरियोग्राफीज, दैट कैन ऑल्सो हैपन. उसके अलावा पर्सनल क्लासेस, पर्सनल कोरियोग्राफीज, ये सब तो चलता ही रहता है. उसके आगे बढ़ेंगे तो एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर का जो मार्केट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुका है आज की स्टेज में. आपको लिटरली एक गाना जो भी कोई भी लेबल या कोई भी जो भी लेट्स से रिलीज हो रहा है, उस गाने पे रील बनाने का, उस पर यूट्यूब वीडियो बनाने का, उस पर बेसिकली एक स्टोरी भी डालने का पैसा मिलता है. सो इट हैज़ बिकम अ वेरी ह्यूज बिजनेस इन द यू नो इन्फ्लुएंसर मार्केट, और उस चीज़ पे टैप इन डेफिनेटली करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ जुम्बा ट्रेनर आप एक बैच चला के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो. एज अ डांस ट्रेनर अगर आप अच्छे हो जाते हो, तो एज अ डांस ट्रेनर आप एक पर्सनल बैच का बहुत अच्छा चार्जेस यू नो चार्ज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो, जैसे हिप हॉप हो गया या फिर कंटेम्प्रेरी हो गया, एंड इफ यू आर रियली गुड एट इट, तो आपको एज अ टीचर हर जगह बुलाया जाता है, जैसे फॉर द वर्कशॉप्स, फिर फॉर द क्लासेस, फॉर द डिप्लोमा. सो ये सब जगहों पे फैकल्टीज जो होते हैं, जो जॉब करते हैं या फिर जो भी सिखाते हैं, दोज ऑल आर कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, परफॉर्मर टाइप के. सो एवरीवेयर देर आर स्कोप्स. जब भी डांस की बात आती है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, डांस का फ्यूचर क्या होगा, डांस सडनली खत्म तो नहीं हो जाएगा, डांस को सडनली वैल्यू तो नहीं ड्रॉप हो जाएगा. सो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. डांस हैज बिन देयर सिंस एजेस, और वो कहीं नहीं जा रहा है, वो अगले 100-200 साल भी ऐसे ही रहेगा जैसा आज रह रहा है. ऑफकोर्स फील्स चेंज होती है, ऑफकोर्स तरीके चेंज होते हैं. सो अगर आप जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, तो कभी कभी यू नो उस स्पेस में नहीं बढ़ पाते आगे जिस स्पेस में आप शुरू होते हो. लेकिन आई डोंट थिंक कोई भी फ्यूचर में खतरा है इस चीज़ को. उल्टा आई वुड से, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केट की वजह से या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से डांस इज ट्रेंडिंग लाइक क्रेजी. जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इज अ डांस. सो ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री इज डांसिंग राइट नाउ. एंड एज अ डांसर कोरियोग्राफर इस चीज में डेफिनेटली बहुत स्कोप है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कंट्री में अभी भी इतने डांस क्लासेस नहीं है जितने होने चाहिए, उतने लोग अब भी डांस से कनेक्टेड नहीं है जितने होने चाहिए. तो डेफिनेटली जितना एजुकेशन ग्रो हो रहा है, जितना मिडिल क्लास ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ सालों में डांस एज अ हॉबी, एज अ साइड यू नो एक्टिविटी बहुत ग्रो करेगा. डेफिनेटली वी हैव सीन अ राइज ऑफ डांस वर्कआउट सेगमेंट इन इंडिया, और बहुत 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 सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे. सो आई फील कि डांस भी उतना ही तरक्की करेगा आगे चल के. सो आई डोंट थिंक देर इज एनी थिंग टू बी वरीड अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनकम की सोचोगे या फिर ये सोचोगे कि मैं 30s के बाद क्या करूँगा, सो नेक्स्ट पॉइंट में मैं उसका आंसर देता हूँ कि हम लोग जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, जो बेसिकली क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं जब हम लोग डांस को एज अ करियर चूज करते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देने की कोशिश करूं. सो क्वेश्चंस, जब भी आप अपने पहले तो मॉम डैड को बताओगे कि मैं करियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ डांस में, सो पहले तो झटका लग जाता है. मतलब आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लकीएस्ट आई वुड से कि जिनके मॉम डैड उनको काफी सपोर्ट करते हैं डांस पे. बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है. सो आई वुड ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे जब आप डांस में करियर की शुरुआत करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इसमें कोई स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी है क्या. सो कोई भी बिजनेस जो हम लोग करते हैं, कोई भी स्टार्टअप अगर हम लोग करते हैं, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन उसमें खुशी होती है, उसमें पैशन होता है, उसमें आर्ट होता है. एंड आई फील मैंने भी आप लोगों को पता होगा आई एम अ लॉयर,
एंड मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर किए थे और उसके बाद वो सब छोड़ के आई एक्सेप्टेड डांस एज अ प्रोफेशन। तो मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि मैंने वो सब पीछे छोड़ दिया। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप आपके पैशन को फॉलो कर रहे हो और अगर आप खुश हो उस चीज़ में, सो मनी विल नॉट मैटर। आप खुशी के लिए काम करोगे, पैसे आते चले जाएंगे। सो आई फील फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वाली बात है, सो वो इनिशियली नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना स्टेबलाइज कर पाते हो। लेकिन आई हैव सीन पीपल जो आज एक अच्छे एज में बैठे हैं, जिनके डांस इंस्टीट्यूशंस तो पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड है और वो घर बैठे विदाउट डांसिंग दे अर्न अ वेरी ह्यूज सम। सो दैट्स देयर सेकेंड क्वेश्चन कि कितना कमा लेगा एक डांसर या फिर एक डांसर का इनकम कितना हो सकता है। सो आई वुड नॉट यू नो गिव यू नंबर्स लाइक क्रेजी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन आई वुड से मिनिमम जैसे एक बेसिकली एक इंजीनियर या एक लॉयर का जो बेसिक सैलरी हो सकता है शुरू होने के बाद, दैट कैन वेरी बिटवीन 8 to 10,000 से लेके तो 50,000 तक। आई वुड से एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ परफॉर्मर भी यही सैलरी रेंज में आप रहोगे। आप ना उससे पीछे आओगे किसी भी मायने में, ना आपको उससे डबल काम करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सैलरी रेंज है कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बैकग्राउंड डांसर बन जाते हो इंडस्ट्री में तो रेट्स काफी आउट है। इट्स बिटवीन 7 to 10,000 पर डे। सो यू कैन कैलकुलेट कि वो कितना हो सकता है। एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर आई एम टेलिंग यू पीपल आर अर्निंग लाइक क्रेजी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसों का कोई अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट भी नहीं है ऑफकोर्स एट द सेम टाइम। लेकिन आई फील अगर आप एक महीने में लेट्स से यू टेक 2 classes a day जिसमें आपके पास 10-10 स्टूडेंट्स हैं, आप 1-2 वेडिंग्स कर लेते हो महीने में और आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांस के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप कोई रील डालते रहते हो, कुछ करते हो, आप कोई ऐप पे चले गए, सो एवरी थिंग कंबाइंड टूगेदर आप आराम से 25,000-30,000 rupees कमा सकते हो विदाउट एनीथिंग टू बी वरीड अबाउट। सो दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, अगर आप अच्छा स्किल डेवलप करोगे, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे। सो दिस नंबर इज अ वेरी स्मॉल नंबर आई एम टेलिंग यू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन जो मुझे भी अभी भी पूछा जाता है बहुत, दैट इज कि आप 30s के बाद क्या करोगे या फिर 40s के बाद क्या करोगे जब आपके हाथ पैर ऐसे नहीं चलेंगे जैसे आज चलते हैं। सो एक उसके लिए कोई आंसर नहीं होता है। देखिए ऐसा होता है कि जब तक आप फिट है तब तक ही डांस करेंगे, लेकिन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि डांसिंग में सिर्फ एज अ डांसर या परफॉर्मर काम नहीं होता है। आप अगर 80 years के भी हो तो भी आप डांस सिखा सकते हो, अगर आप 50 years के हो तो भी आप कोरियोग्राफी कर सकते हो। एज अ पर्सन यू विल एक्चुअली ग्रो, जैसे एक डांसर से परफॉर्मर टू कोरियोग्राफर टू अ डांस टीचर टू अ डांस डायरेक्टर, सो वो जो एक जर्नी होता है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। सो आप जब तक 40s-50s में पहुंचते हो यू बिकम अ डांस डायरेक्टर। आप कोई बड़ी चीज़ों पे काम करते हो, ऑन अ इंटेलेक्चुअल लेवल काम करते हो, ना कि डांस ही करते हो पीछे। सो दैट्स देयर, तो एक जर्नी होता है। आई फील अगर हर कोई प्रॉपरली उस जर्नी को फॉलो करेगा, अगर ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, सो इवेंचुअली 30s-40s-50s डज नॉट मैटर, इट्स जस्ट द नंबर। आप एक्चुअली फिर भी उतने ही स्पीड में करियर कर रहे होंगे जितने आप अपने 20s में कर रहे होंगे। एक और इंडियन सोसाइटी का जो थोड़ा प्रॉब्लम है कि डांस को बहुत अपोज किया जाता है एज अ करियर, उसको एक हॉबी की तरह देखने के लिए बोला जाता है, उसको एज अ करियर देखने के लिए नहीं बोला जाता। सो आई फील हर ऐसी चीज जो डांस से रिलेटेड है जैसे सिंगिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, वॉट एवर दैट इज यू नो आर्ट, उसको अभी भी हमारे कंट्री में इतना स्कोप नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। सो दैट इज द रीजन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने डांसिंग में करियर किया है और मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी चॉइस आपको लेना है, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स से पिट जाना है और सडनली आपने बोलना है कि मैंने करियर करना है डांस में, लेकिन यू नो मुझे तो अब पता चल गया। लेकिन यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, डू अ रिसर्च, आप प्रॉपरली बैठिए अपने पेरेंट्स से बात करिए एंड यू ट्राई योर लक आउट। ऐसा नहीं है कि आप सडनली एक दिन डिसीजन लेके आप कहीं चले जाएंगे और आपका करियर बन जाएगा। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। आप अगर मेहनत करते जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज देयर, हर तरह की अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू।
ऑलराइट गाइस, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर पॉइंट कवर करूं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स रह गए होंगे। सो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग फेस करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सीरीज का पहला वीडियो है, हम लोग इस पे हजारों वीडियो बनाने के प्लान में बैठे। सो आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे डांस में कौन से शूज पहने, डांस में कौन से कपड़े पहने, हम लोग अपना डांस कैसे इंप्रूव करें, एक्सप्रेशंस कैसे दे, जो भी आपके दिल में है प्लीज आप टाइप करके कमेंट में लिख दो। वी आर गोइंग टू मेक द वीडियोस बेस्ड ऑन द कमेंट्स ओनली, क्योंकि हमें पता चलेगा कि लोगों को क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उसी बेसिस पे हम लोग अगले वीडियोस बनाएंगे। सो आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, एंड स्टे सेफ।